स्वागत है आपका भक्ति टॉप 10 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आइए नजर डालते हैं धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर जो आपको अवगत कराएंगी आपके आसपास हो रही धार्मिक गतिविधियों से। तो देखिए इस बार आइए आपको बताते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। आज है देवउठान एकादशी। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के बाद जाकर अपने देवस्थान पर वापस आ चुके हैं और सारे शुभ कार्यों की आज से हो चुकी है शुरुआत। लखनऊ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा आज पूर्णाहुति के साथ हुई संपन्न। 2 नवंबर से चल रहे इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी श्री इंद्र देवेश्वरानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों के जरिए लोगों को ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की दी प्रेरणा। आज हरिद्वार में आरंभ हुआ ध्यान साधना शिविर एवं वरदान सिद्धि साधना कार्यक्रम। 12 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूज्य सद्गुरु सुधांशु जी महाराज अपनी सात्विक तात्विक चर्चा के जरिए लोगों को ईश्वरीय भक्ति से जोड़ने का करेंगे प्रयास। कल से आरंभ होगी ब्रज 84 कोस की यात्रा। 20 दिसंबर तक चलने वाली इस यात्रा में परम पूज्य जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण की लीलाओं का करेंगे बखान। 10 नवंबर को वृंदावन में आयोजित होगा श्री राधा वल्लभ पाठोत्सव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में श्रद्धेय हितमरीज जी महाराज भगवान कृष्ण और देवी राधा की लीलाओं का करेंगे वर्णन। दिल्ली के बुराड़ी में 11 नवंबर से आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 17 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में परम श्रद्धेय श्याम सुंदर ठाकुर जी महाराज ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का करेंगे वर्णन। सागर मध्य प्रदेश में 14 नवंबर से होगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। 20 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य श्रीमद् जगतगुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज लोगों को भागवत के गूढ़ रहस्यों से कराएंगे अवगत। 26 नवंबर से पटना में कीजिए श्री भक्तमाल कथा का रसपान। 2 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य गौरदास जी महाराज अपनी ओजमयी वाणी के जरिए लोगों को भक्ति रस में करेंगे सराबोर। योग और आयुर्वेद के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के विभिन्न कार्यकलापों और शिविरों का प्रसारण देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ संस्कार पर। आयुर्वेद से जुड़ी रोचक बातें और जड़ी बूटियों द्वारा रोगों से निजात पाने के घरेलू और सरल उपाय जानिए श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी के आसान नुस्खों में प्रतिदिन संस्कार और सत्संग पर। तो ये थी धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने आसपास हो रही धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। इन खबरों को हम शामिल करते हैं भक्ति टॉप 10 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।